वही उत्तराखंड में इस वर्ष चार धाम यात्रा की 10 मई से शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी के मद्देनजर वीआईपी दर्शन पर राज्य सरकार ने आगामी 10 जून तक के लिए रोक लगा रखी है। वही चार धाम के कठिन रास्ते और भारी भीड़ के बीच 22 दिनों में लगभग 70 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इनमें से केदारनाथ में 27, वही बद्रीनाथ में 22 और गंगोत्री और यमुनोत्री में करीब 21 लोगों की मौत हुई है। इसके तहत ही स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि चार धाम यात्रा में दर्शन करने आने वाले 50 वर्ष से ऊपर के श्रद्धालुओं से उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग चार धाम यात्रा के लिए एक हेल्थ कार्ड भी डेवलप करना सोच रहा है, जिसे जल्द ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जितने भी यात्री आ रहे हैं 50 से ऊपर को, उनको हम कंपल्सरी स्क्रीन कर ही रहे हैं और उनकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री भी पूछेंगे। इसके अलावा जब भी कोई यात्री टूरिज्म डिपार्टमेंट के चारधाम वेबसाइट में यहाँ पे दर्ज करता है, तो उसमें एक पॉपअप आता है जिसमें उसकी हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स की भी जानकारी ली जाती है। तो ये फिलहाल अभी वॉलंटरी है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको कंपल्सरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक चारधाम हेतु हेल्थ ऐप भी हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, तो जिसको जल्दी हम लोग धरातल पे ले आएंगे। देखिए, जहां तक डेथ्स का मामला है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फैसिलिटी में जो डेथ हुई, जो हॉस्पिटल्स में डेथ हुई थी, उनकी संख्या काफी कम है। तो ज्यादातर जो है वो बॉट डेड है और जो भी कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनसे हम इस प्रकार के अंडरटेकिंग भी हम लोग लेते हैं कि वो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं उनको भलीभांति उनको ज्ञात है और वो अपने रिस्क पे प्रोसीड कर रहे हैं। हालांकि हम उनको सतर्क भी करते हैं और उनको कहते भी हैं कि आपको ये कोमॉर्बिडिटी है तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और खासकर हम उनको एक्लिमेटाइजेशन के बारे में अवगत कराते हैं कि जब भी ट्रैक करें, मुश्किल ट्रैक जैसे यमुनोत्री है और केदारनाथ जी का ट्रैक है, हर 1 से 2 घंटे बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट अनिवार्य तौर पर लें और अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें, प्रॉपर मौसम के अनुसार प्रॉपर ड्रेस भी पहनें।